जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठी हैं महिला पहलवान, और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्यों धरना पे बैठी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आप लोग बहुत दिनों से देख रहे होंगे कि ट्रेंडिंग पे ये चीजें चल रही हैं धरना को लेकर के, खास तौर से ये महिलाएं जो धरना पे हैं अभी, जो महिलाएं पहलवान हैं वो धरना पे हैं। अब देखो पूरा देश तो उनके साथ है ही, लेकिन उनकी विडंबनाएं क्या है ये जरा सा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये जरा सा देखिए। यहां पे बात ये है, जो महिला पहलवान हैं वो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर के मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। अब उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये देखिए। उस याचिका पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मामले को शुक्रवार 28 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है, यानी अगली जो सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर, जो पहलवानों की याचिका है वो 28 तारीख को करेगी। उन्होंने शिकायतकर्ताओं को, सातों शिकायतकर्ता जो हैं उनकी पहचान छुपाने के लिए बोला है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो सात शिकायतकर्ता हैं उनकी पहचान बाहर नहीं आनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने नोटिस भी भेजा है, और तो और उन सातों में से एक नाबालिग पहलवान भी है। मतलब जो सात लड़कियां हैं उनमें से एक नाबालिग पहलवान लड़की भी है जो कि उन सातों में है, और इन लोगों का कहना ये था कि हमारे साथ यहाँ पे छेड़छाड़ हो रहा है, जो भी है घटनाएं हो रही हैं। पुलिस को कहने पे पुलिस, दिल्ली पुलिस FIR लिख नहीं रही है, और इस पे अब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। अब सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को अगली सुनवाई करेगा और देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि हमारे देश के खिलाड़ी जो कि भारत का नाम बाहरी दुनिया में भी रोशन करते हैं, उनके साथ न्याय तो होना ही चाहिए। आप लोग क्या कहते हो ये बताइए, और हाँ हमारा नया चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा और आपका हमेशा बात होता रहे और आपको सब कुछ पता चलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।